सोमवार शाम के समय कमिश्नर दीपक रावत और आईजी नीलेश आनंद भरने ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में बनाए जा रहे निर्माणाधीन दो अवैध भवनों पर छापेमारी की और कार्यवाही के निर्देश दिए थे। वहीं कार्यवाही के दौरान राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर थाना बनभूलपुरा पुलिस ने नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी की तहरीर पर 5 नामजद और 200 अन्य लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी से मिली जानकारी के अनुसार नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सोमवार को बनभूलपुरा पुलिस को तहरीर सौंपी थी। तहरीर में नगर आयुक्त ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों के साथ नजूल भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए लाइन नंबर 8 बनभूलपुरा में गए थे, जहां लाइन नंबर 8 बिलाली मस्जिद के पास हल्द्वानी में 3 लोगों द्वारा नजूल भूमि यानी सरकारी भूमि पर कब्जा कर बेसमेंट सहित अवैध निर्माण किया जा रहा था। बता दें, अवैध निर्माण किए जाने के साथ ही उपखनिजों की चोरी कर अवैध रूप से विक्रय किया जाता था, जिसकी सूचना नगर आयुक्त ने बनभूलपुरा थाने में दी थी। वहीं अवैध कब्जा हटाने और अवैध निर्माण तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां पहुंचने पर अवैध कब्जाधारी और उनके परिजन सहित लगभग 200 समर्थकों ने टीम का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने बताया कि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की तहरीर के आधार पर राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।